हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आज एक फिर नए वीडियो पे स्वागत है। तो चलो वीडियो को शुरू करें। वीडियो शुरू होने से पहले एक लाइक ज़रूर कर देना, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे नए नए टॉपिक पे वीडियो आता रहता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये महिंद्रा 475 DI, उसका हाइड्रोलिक लीवर पूरी तरह से जाम हो चुका है। ये देख सकते हैं किस तरह से जाम हुआ है। तो इसको हम अभी खोलेंगे और उसकी अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके फिर लगाएंगे। तो अब देख सकते हैं उसका हमने टॉप कवर खोल ली है और उसकी लीवर को भी हमने बाहर निकाल ली है। ये देख सकते हैं उसका हाइड्रोलिक लीवर किस तरह से जंग लग के पूरी तरह से जाम हो चुका है। तो अब हम उसको साफ़ सफाई करेंगे और ये जो लीवर देख रहे हो उसको भी हमें बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा। अब देख सकते हैं हम ये पाइप को भी साफ़ सफाई करेंगे, इसमें भी जंग लगा हुआ है। तो दोस्तों अब देख सकते हैं हमने उसको लीवर को बाहर निकाल लिया है और उसकी एमरी पेपर से हम उसको अंदर की ओर से साफ़ करेंगे मिट्टी के तेल से। किस तरह से सफाई कर रहे हैं आप देख रहे होंगे। तो अब देख सकते हैं हमने उसको साफ करके ग्रीसिंग करके उस लीवर को भी हमने लगा दिया है और ये जो मेरी उंगली है वहीं पे एक छोटा सा लग लगता है, वो लग भी हमने लगा ली है। और ये जो पाइप है बाहर में जो रहता है उसी को भी हमने लगा लिया है उसमें, अब गाड़ी में फिटिंग करेंगे। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सब कुछ फिट करके गाड़ी में वो लीवर को फिट कर रहे हैं और बहुत आसानी से फिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती फिट होने में। हाँ तो हमने उस लीवर को फिट कर ली है और सब कुछ हमने फिट कर ली है, जो जो हमने खोला था वो पाइप कनेक्शन वगैरह। और उसकी हाइड्रोलिक लीवर देख सकते हैं किस तरह से काम कर रहा है, बहुत आसानी से, पहले जैसे नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना।